हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12, इसके अंदर भी हम सीरीज का टॉपिक देखेंगे। अब हम नए क्वेश्चंस और करेंगे, और अगर आपने पहले की वीडियोस देखनी है तो ये बटन आ रहा है आई बटन, क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक्स दे देंगे पुरानी वीडियो का, और पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है आप लोगों के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो बहुत अमेजिंग रहने वाली है वीडियो, इसके अंदर भी हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम देखेंगे सीरीज के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हेडिंग है हमारी एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करें, ये पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम पर्टिकुलर एलिमेंट सीरीज के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा एग्जांपल है, हमें इस कोड को कंसीडर करना है, और कोड को कंसीडर करते हुए हमें प्रिंट करनी है वैल्यू बीटेक की। किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम? बीटेक की। तो हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। ध्यान देना, सीरीज का जो नाम है दैट इज एम। सीरीज का नाम क्या है? एम है। जब हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट लिखेंगे, सीरीज का नाम लिखेंगे दैट इज एम, और उसके बाद हम लगाएंगे स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। इस स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडेक्स लिखेंगे उस एलिमेंट का जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। एज पर द क्वेश्चन हमें वैल्यू प्रिंट करनी है बीटेक की। इसका मतलब क्या हुआ? बीटेक का जो इंडेक्स होगा वो हम लिखेंगे। अगर हमने बीटेक जो है उसका इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा होता तो हम एज्यूम करते फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, सेकंड का 1, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 3 है। लेकिन इस केस के अंदर हमने इंडेक्सेस दे रखे हैं, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है दैट इज बीटेक, उसका इंडेक्स है 2, 0, 3। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे मैंने लिखा हुआ प्रिंट एम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, उसके बीच में हम इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे किसका? बीटेक का। वो क्या है हमारा? दैट इज 2, 0, 3। तो ये आ गया 2, 0, 3, ठीक है। और इसके साथ में आउटपुट भी लिखना है, तो आउटपुट लिखा, आउटपुट क्या आएगा? जो 2, 0, 3 है वो इंडेक्स जिसका भी होगा उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? दैट इज बीटेक। ये आ गया हमारा आउटपुट, नोट कर लो इसको। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हमें टॉपिक पढ़ना है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि कुछ भी गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। अगर आपका लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग होती है, वहां पे कॉलन लगाते हैं। सिंपल सा चीज है स्लाइसिंग का मतलब हुआ, जिसकी भी स्लाइसिंग कर रहे हो इसका मतलब हम कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग कैसे की जाती है सीरीज से, सीरीज के ऑब्जेक्ट से स्लाइसिंग कैसे की जाती है, एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर कोड गिवन है सीरीज बनाने का, ठीक है। और ये नीचे हमारा पूरा कोड गिवन है जिसमें सीरीज बना रखी है हमने, तो पहले आप इसको नोट कर लेना और उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमें कोड लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है जिससे कि प्रिंट होनी चाहिए वैल्यूज कौन कौन सी, बीटेक, बीबीए एंड एमसीए। अब ध्यान देना, यहां पर हमें तीन वैल्यूज प्रिंट करनी है, बीटेक की, बीबीए एंड एमसीए। एक तरीका तो यह है कि आप तीन स्टेटमेंट लिखो, या फिर दूसरा वे क्या है कि हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें स्लाइसिंग के रिस्पेक्ट में सिखाऊंगा। स्लाइसिंग के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रिंट सीरीज का नाम दैट इज एम हो गया, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देना, जब हम स्लाइसिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे, कहने का मतलब यह कि जब हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे तो उस केस के अंदर हम इंडेक्स वो नहीं लेंगे जो हमने दिया हुआ है सीरीज को बनाते हुए। जैसे यहां पर क्या है, 101, 203, जो हमने स्पेसिफाई करा है इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे उस इंडेक्स का जो बाय डिफॉल्ट पाइथन बनाता है, बाय डिफॉल्ट पाइथन देता है।
सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 3। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इज 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रिंट करना है बीटेक, पहले प्रिंट करना है बीटेक और बीटेक का इंडेक्स क्या है 1 है। उसके बाद हमें प्रिंट करना है बीबीए एंड एमसीए, तो हम क्या करेंगे 1 के बाद लगाएंगे कॉलन, ये आ गया कॉलन, और इसके बाद हम लिख देंगे कहां तक चाहिए। लेकिन अब ध्यान दो, इसमें तो हमें एंड तक चाहिए, तो कॉलन के बाद कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले इंडेक्स से उठाकर एंड तक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आ गया हमारा जो जो प्रिंट करना, दैट इज बीटेक, बीबीए एंड एमसीए। और यहां पर अब एक और पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब हम स्लाइसिंग यूज करेंगे, स्लाइसिंग मतलब जब हम कॉलन यूज करेंगे, तो उस केस के अंदर हम इंडेक्स वो नहीं लेंगे जो हमने दिया हुआ है सीरीज को बनाते हुए। लेकिन जब हम आउटपुट में लिखेंगे तो आउटपुट में हम इंडेक्स वही लिखेंगे जो हमने दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले का दैट इज क्या आ गया 203, नेक्स्ट 404, नेक्स्ट इज 302, ये हो गया हमारा आउटपुट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब स्लाइसिंग यूज करेंगे तो इंडेक्स वो लेंगे जो पाइथन बाय डिफॉल्ट देता है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 वाला, और जब आउटपुट लिखोगे तो वो नहीं लोगे इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट देता है, अगर हमने दिया हुआ है तो। अगर हमने दिया हुआ है तो हम वो इंडेक्स लेंगे जो हमने दिया है, अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 चलेगा आउटपुट के टाइम में। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, नोट कर लो इसको। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल से, और कंसेप्ट क्लियर होगा स्लाइसिंग का। ये हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है कि हमें कोड को कंसीडर करना है और प्रिंट करनी है हमें वैल्यू किसकी, बीटेक और बीबीए की, साथ में आउटपुट भी लिखना है, और ये कोड हमें गिवन है किसका, सीरीज को बनाने का। अब यहां पर हमें दो वैल्यूज प्रिंट करने, दैट इज बीटेक एंड बीबीए। तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। सबसे पहले लिखा प्रिंट, उसके बाद सीरीज का नाम एम स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। किसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, बीटेक की और बीबीए की। अब ध्यान दो बीटेक का इंडेक्स क्या है, बीटेक है सेकंड जगह पर, दैट इज 1, और बीबीए कहां पर है, हमारा थर्ड पोजीशन पे, उसका इंडेक्स है 2। हम क्या लिख देंगे, दैट इज लिख दिया 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे कॉलन, कॉलन के बाद क्या लिखेंगे 2 तक चाहिए तो एक एक्स्ट्रा, तो क्या लिख दिया दैट इज 3। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 3 तक, लेकिन 1 वाला इंक्लूड होगा, 3 वाला इंक्लूड नहीं होता। जो कॉलन के बाद लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, और जो कॉलन के पहले लिखते हैं वो इंक्लूड होगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो बीटेक आएगा और बीबीए आएगा। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा सबसे पहले बीटेक, उसके बाद बीबीए। अब ध्यान दो बीटेक का इंडेक्स और बीबीए का इंडेक्स वो लेना है जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है सीरीज बनाते हुए, तो दैट इज 203 और उसके बाद 404। ये हो गया हमारा आंसर, इसको आप नोट कर लो। अब करेंगे एक एग्जांपल और, जिससे हमारा और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप होगा। ध्यान दो इसके अंदर हमें प्रिंट करना है बीसीए एंड बीटेक। तो हमें स्टेटमेंट लिखनी है, सबसे पहले लिख दिया प्रिंट जो लिखते आ रहे हैं, उसके बाद सीरीज का नाम दैट इज एम और स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दो इसके अंदर हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है बीसीए और बीटेक की, और जो बीसीए है वो हमारा दैट इज फर्स्ट है और बीटेक कौन सा सेकंड है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट का इंडेक्स, इसका मतलब क्या लिखना चाहिए 0 कॉलन, उसके बाद कहां तक चाहिए, सेकंड वाला नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड वाले का इंडेक्स है 1, तो हम क्या लिख देंगे एक एक्स्ट्रा 2 लिख देंगे। बट यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लगाया कॉलन, कॉलन से पहले मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अगर हम कॉलन से पहले कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेगा, और लिख दिया कॉलन के बाद 2, इसका मतलब 0 से लेकर कहां तक 2 तक, 2 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो कौन सा आ गया 0 आ गया और 1 आ गया। साथ में क्या करना है, आउटपुट लिखना है, आउटपुट आ गया 0 वाले की वैल्यू दैट इज बीसीए और 1 की बीटेक, और इसका इंडेक्स इज वो जो हमने सीरीज बनाते समय मेंशन कर रखे हैं। इस पॉइंट में मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते ही करते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम एक एग्जांपल और स्लाइसिंग का, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेटमेंट लिखनी है हमें सीरीज का, हमें वैल्यू प्रिंट करनी है कौन कौन सी, बीसीए एंड बीबीए। ध्यान दो बीसीए कहां पर है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे, बीबीए कहां पर है, थर्ड वाली पोजीशन पे। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट लिखा, सीरीज का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर हमें प्रिंट करनी है सबसे पहले वाली वैल्यू, तो हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कहां से लेता है, जीरो से। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, कॉलन लगाया, ये आ गया कॉलन, उसके बाद क्या लिख दिया, दैट इज फोर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूं तो जीरो वाला आएगा, वन वाला आएगा, टू वाला आएगा और थ्री वाला आएगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें जीरो और टू को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को प्रिंट करना है, उसके बाद टू को करना है। इसका मतलब ये हुआ जीरो के साथ टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो हमने क्या करा, उसके बाद फिर कॉलन लगाया और कॉलन के बाद लिख दिया टू लिख दिया। इससे क्या हुआ समझते हैं दोबारा से, पहले कॉलन से पहले अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो जीरो से लेगा, उसके बाद कॉलन के बाद लिखा है फोर, तो इसका मतलब फोर से कम तक जाएगा, दैट इज थ्री तक जाएगा, और फोर और उसके बाद लिखा हुआ है कॉलन टू, इसका मतलब दो दो प्लस करके जाएगा। तो स्टार्ट होगा जीरो से, पहले जीरो का आएगा, फिर क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में कॉलन के बाद टू, तो जीरो के साथ टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर टू जिसका इंडेक्स होगा वो प्रिंट होगा, फिर टू के बाद दोबारा टू ऐड करेंगे, कितना आ गया फोर, लेकिन हमें फोर से कम तक चाहिए, तो यहीं पर रुक जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, बीसीए एंड बीबीए, और इन दोनों का इंडेक्स प्रिंट करेगा वो जो सीरीज बनाते समय दिया हुआ है, दैट इज 101404। ठीक है राइट, इसको नोट कर लो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज के ऊपर जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। दोबारा से आगे मैथ्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बीच में बार बार क्यों बोलते हैं, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रही ये वीडियो, इसके अंदर हमने अपना लेवल को और इंक्रीज करा, सीरीज के कंसेप्ट को और सीखा। आने वाले टाइम में और भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें और सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जितनी चीजें सिखाई उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।